केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे और उनके मंत्री युद्ध की धमकियां भी दे रहे हैं। इसके बाद इमरान खान की पूर्व पत्नी रही रेहम खान ने भी इमरान खान पर निशाना साधा है। रेहम ने इमरान खान से सवाल किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। रेहम खान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए वीडियो में रेहम खान ने कहा कि मोदी सरकार को क्यों लोग चाहते हैं और क्यों उनसे रिश्ते खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। रेहम ने ये भी बताया कि कई देश भारत के साथ हैं और निवेश कर रहे हैं। रेहम ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जहां मोदी जाते हैं उनकी इज्जत होती है। सऊदी अरब में निवेश किया है, ब्रिटेन उनके साथ है, अमेरिका की उनमें दिलचस्पी है। इससे पहले भी पिछले दिनों रेहम खान ने इमरान खान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि इमरान ने कश्मीर को बेच दिया है और इमरान इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि पीएम मोदी कश्मीर पर एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। बता दें कि इमरान खान और पत्रकार रेहम खान ने 2014 में शादी की थी, लेकिन कुछ महीने बाद 2015 में ही दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के बाद रेहम ने इमरान खान पर कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए थे। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।